हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए वेज मोमो की रेसिपी बनाकर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं देखने में। मैं आपको दो तीन तरह से मोमोज बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये एक पैन ले लिया है। पैन में मैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने ये चॉप की हुई सब्जियाँ हैं इनको डाल देंगे मैंने, और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। गाजर और मैंने पत्ता गोभी लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, 1 नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से क्रंच होना चाहिए हमारी सब्जी में। और इस तरह से मैं अपनी सब्जी को निकाल लेती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ये एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैं 1 कटोरी मैदा डाल रही हूँ। इसके बाद 1 चम्मच मैं नमक डालूँगी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। थोड़े थोड़े पानी से हम इस तरह से एक डो रेडी करेंगे, जैसे हम एक आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इस तरह से, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा थिक, बिल्कुल अच्छा सा एक डो बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं अपना डो रेडी कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा डो रेडी हो गया है। तो 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं हम, वेजिटेबल ऑयल। तो इस तरह से आप वेजिटेबल ऑयल डालकर भी इसे इस अच्छी तरह से एक बार गूंथ लीजिए, बिल्कुल आटे की तरह। तो देखिए, हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा डो बिल्कुल अच्छी तरह रेडी है। तो अब हम मोमोज बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से एक लोई तोड़ लेती हूँ। छोटे छोटे हम लोई बेल लेंगे। बहुत ही अच्छी पतली शीट बनाकर हमें रेडी करनी है मोमोज़ के लिए। जितना पतले हमारी मोमोज़ की शीट होंगी, उतने ही मोमोज़ हमारे अच्छे बनेंगे। और इस तरह से मैं लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे लोई बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब इस तरह से मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। छोटी छोटी पतली पतली हमें शीट्स रेडी करनी है मोमोज़ के लिए। मैं आपको 2-3 तरह से मोमोज बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हम पानी साइड्स कॉर्नर्स में लगा देते हैं अच्छी तरह से, जिससे कि हमारे मोमोज की जो लेयर है वो चिपक जाए इस तरह से। उसके बाद जो हमने ये फिलिंग बनाई है, बिल्कुल सिंपल फिलिंग बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। आप इस तरह से बनाएं ज़रूर। इस तरह से आप पकड़िए बिल्कुल पतली शीट्स, और इस तरह से हम गुजिया जैसे फोल्ड करते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे फ्रेंड्स, इस तरह से इन लेयरों को। अब इस साइड से जो हमारी लेयर्स हैं उसको भी हम अंदर की तरफ करके फोल्ड करेंगे इस टाइप से। देखिए, ये जो दिख रहे हैं आपको इस तरह से। और इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसको यहाँ से सीधा इस तरह से चिपका देते हैं। तो देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा पान स्टाइल का मोमोज बनकर रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल लग रहा है ना पान की शेप में। तो इस तरह से मैंने मोमोज बनाया। अब दूसरे टाइप का मैं आपको मोमो बना देता सिखाती हूँ। तो आप देखिए, इस तरह से मैं इस तरह से ही लोई को बेल लेते हैं। बिल्कुल पतली शीट्स बना ली है मैंने। उसके बाद मैंने इसमें पानी भी डाल दिया और फिलिंग डाल देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग डालेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी हमारी मोमोज बनके रेडी होंगे। तो इस तरह से मैं आपको, देखिए, बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब भी इस साइड से भी हम इस तरह से ही फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ लेकर। देखिए, हमने इन्हें फोल्ड कर लिया है अच्छी तरह से। इस तरह से मैं पूरा फोल्ड करूंगी, बिल्कुल गोल, एकदम मोदक स्टाइल का हम मोमोज बनाकर रेडी करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद देखिए, हमारा मोमोज बनकर रेडी हो गया है कि सेकंड स्टाइल हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही इजी तरीके से, बहुत जल्दी बनकर रेडी होंगे इससे। आप एक बड़ी लोई लेके इस तरह से रोटी की तरह बेल लीजिए, बिल्कुल पतली शीट करके ही बेलें, पतली ना हो। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स, आप एक कटोरी लीजिए, उस तरह से इस तरह से आप गोल उसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद फ्रेंड्स, इसमें मैं हमारी ये साइड जो रोटी एक्स्ट्रा थी वो हमने निकाल दी है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर इसे बेल लेती हूँ, बिल्कुल पतला कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल पतली शीट बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से मैं इसमें भी फिलिंग डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ। इसको भी हम इस तरह से बंद करेंगे। अब मैं आपको दूसरे स्टाइल के मोमोज बनाना सिखाऊंगी। आप देखिए, बिल्कुल इस तरह से समोसे की तरह हम बंद करेंगे। अब मैं ये देखिए, ऊपर से मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर लिया है। देखिए इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपको बंद करना है 2 लेयर्स को लेके। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही ईजी है ये, बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा हमारा मोमोज़।
तो इस तरह से आप दोनों तरफ से स्टार टेप शेप में इसको बंद कर लीजिए इस तरह से। देखिए अब ये जो तीनों जॉइंट्स हैं इनको भी मैं एक साथ बंद कर देती हूँ। और देखिए हमारा बिल्कुल मोमोज बनकर रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल समोसे स्टाइल का मोमो बन के रेडी हो गए। तो हमारे तीन स्टाइल के मोमोज मैंने बनाकर आपको रेडी दिखाती हैं। बहुत ही आसान है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल रही हूँ फ्रेंड्स कढ़ाई में। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये रख देती हूँ स्टैंड। उसके बाद आप जाली वाली एक प्लेट ले लीजिए या छन्नी होती है उसको भी आप लगा सकते हैं। और ऊपर से मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर देती हूँ। और ये फ्रेंड्स मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको चाइनीज़ बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप पत्ता गोभी के इस तरह से पत्ते रख सकते हैं, उनके ऊपर से ऑयल लगा के इस तरह से मोमोज रखेंगे तो बहुत ही अच्छा चाइनीज़ फ्लेवर आएगा मार्केट स्टाइल का, और हमारे मोमोज भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनेंगे। तो इस तरह से रख दिया है और भाप भी बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे आ रही है। तो अब मैं इसके ऊपर से प्लेट ढक देती हूँ जिससे कि हमारे भाप बाहर ना निकले। और 15 मिनट के लिए से इसी तरह से स्टीम होने देते हैं। और देखिए हमारे स्टीम हो चुके हैं तो हमारे मोमोज कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे मोमोज बनकर रेडी हो चुके हैं। और देखिए आपके मुंह में भी पानी आ ही गया होगा हमारे मोमोज देख के। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे मोमोज बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको हमारी मोमोज चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप फटाफट मोमोज बनाकर रेडी कर सकते हैं और देखने में जितने डिलीशियस हैं खाने में भी उतने यम्मी हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।